हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली हु वॉन द नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो ये लगातार 12वीं बार जीती हैं और इनका नाम है रश्मि कुमारी, जो हैं इन्होंने कैरम टाइटल जीता है, नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल। जानते हैं इनके बारे में। ये है रश्मि कुमारी जिन्होंने कैरम का टाइटल जीता है, कैरम बोर्ड जिसे कहा जाता है। ये 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं रश्मि कुमारी। सिक्योर्ड हर 12th नेशनल वुमेन सिंगल टाइटल। तो ये 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं कैरम बोर्ड में और 12 बार ये अभी 12th टाइम का ये इनका वो जीता है इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल नेशनल लेवल पे। एट द 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप डिफीटिंग इन्होंने हराया है नागा ज्योति को और तीन तीन राउंड हुए थे जिसके बाद ये इनको हरा पाई थी और ये 12th टाइम इसको जीती हैं। रश्मि एम्प्लॉयड एट ONGC में ये काम करती हैं जो कि ऑयल कंपनी है ONGC। इन द वुमेन्स फाइनल जो इन्होंने जीता है। इन द मेंस कैटेगरी में के श्रीनिवास ने अपना 4th टाइटल जीता है सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग एस आदित्य। इनको हराकर इन्होंने वुमेन्स मेंस में जो कैरम का टाइटल है वो के श्रीनिवास ने जीता है विथ 7 वाइट स्लैम्स भी इनके द्वारा जीते गए हैं। तो नेशनल कैरम बोर्ड जो है वुमेन्स में वो किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। और मेंस कैटेगरी में जीता के श्रीनिवास ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट इज लीडिंग इन इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विथ ओवर 500 लैंड पार्सल्स फॉर ट्री प्लांटेशन। हिंदी में देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में टॉप पर है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश इस कैटेगरी में टॉप पर है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में। 2 महीनों में 10 राज्यों में वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक स्वीकृत भूमि पार्सल के साथ मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी है, यानी कि फर्स्ट पोजिशन पे है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जिसमें आपको प्लांट्स लगाने होते हैं जिसके बदले में आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं। 10,000 हेक्टेयर भूमि इसमें चिन्हित की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक स्वीकृत निम्नीकृत वन भूमि 954 हेक्टेयर है। इसके बाद है तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात और फिर है असम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हरित ऋण अर्जित करने के लिए वृक्षारोपण करेंगे और इसके लिए उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। कार्यक्रम पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, गैर कार्बन पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मिट्टी, पानी और पारिस्थितिकी प्रणाली को लाभ पहुंचाने पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम केंद्रित है। इसका एम है कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, स्थानीय मिट्टी का उपयोग किया जाए प्लांटेशन करने में। ये इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, यानी कि उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोम्पे सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में खबरों में रहा पोम्पेई शहर किस देश में स्थित है? तो ये शहर जो है इटली में स्थित है। क्यों है ये इटली में स्थित और ये क्यों चर्चा में रहा, चलिए जानते हैं। तो पोम्पेई में पुरातत्वविदों ने ग्रीक पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले जीवंत भित्ति चित्रों से सजे एक काली दीवार वाले बैंकेट हॉल का यहाँ पर पता लगाया है। पोम्पेई जो है वो इटली के नेपल्स के पास एक संरक्षित प्राचीन रोमन शहर है। माउंट वेसुवियस के आधार पर, माउंट वेसुवियस के बेस पर यह स्थित है पोम्पेई। कांस्य युग में स्थापित यह रोमन शासन के तहत फला फूला एक शहर है जिसकी आबादी अभी 10 से 12 हजार लोगों की है। 79 ईस्वी में वेसुवियस द्वारा ये यहाँ पर दफनाया गया था। पोम्पेई 1748 में पुनः खोजे जाने तक यह शहर जो है दबा रहा था। इसका उल्लेखनीय रूप से संरक्षित राज्य रोमन जीवन में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करना जिससे इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हो रखा है। तो ये यूनेस्को की लिस्ट में विश्व धरोहर जो है दर्जा प्राप्त हो चुका है इस पोम्पेई शहर को, जो कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के लिए टीका तैयार करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है उसके लिए सबसे पहला टीका कहाँ पर लागू किया गया है? तो वो नाइजीरिया में लागू किया गया है। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी बीमारियां पनपती हैं
जिसका इलाज जो है WHO के द्वारा उनको दिया जाता है, और ये वैक्सीन WHO के द्वारा वहां पे वितरित की जाती हैं। और जो इंडिया की जो फार्मा वैक्सीन्स हैं वो मोस्टली अफ्रीका में सप्लाई की जाती हैं थ्रू WHO चैनल। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे है, जिसने WHO द्वारा समर्थित MEN-5CV वैक्सीन पेश की है। WHO द्वारा दी गई है ये वैक्सीन, जो एक ही बार में 5 उपभेदों को लक्षित करती है। यह पिछले टीकों से काफी अच्छा है, जो अफ्रीका में प्रचलित बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के रूप में महत्वपूर्ण है, इसको खत्म करने के लिए, जो बीमारी एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। नाइजीरिया सहित अफ्रीका के मेनिनजाइटिस बेल्ट में मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसमें पिछले वर्ष 50% की वृद्धि दर्ज की गई थी इस बीमारी में। अफ्रीका का एक क्षेत्र है जो कि नाइजीरिया के आसपास के जितने भी देश हैं उसको मेनिनजाइटिस बेल्ट कहा जाता है। नाइजीरिया का यह कदम दुनिया भर में व्यापक रूप से अपनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है, और यह वैक्सीन सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। और ये है वैक्सीन जिसका डोज के रूप में ये वैक्सीन दी जाएगी, जैसे सभी देशों में कोविड की वैक्सीन दी गई थी, वैसे ही अफ्रीका में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वैक्सीन WHO द्वारा प्रदान की जाती हैं, और वहां पर उस जोखिम को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन स्टेडियम बिकम द फर्स्ट BCCI एक्रेडिटेड वेन्यू विद अ न्यू हाइब्रिड पिच। हाल ही में कौन सा भारतीय स्टेडियम नई हाइब्रिड पिच वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्टेडियम बन गया है? तो ये स्टेडियम बना है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ये है स्टेडियम के बारे में, देखिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हिमाचल प्रदेश नीदरलैंड स्थित FIS ग्रास द्वारा अभूतपूर्व हाइब्रिड पिच के साथ पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। इस जो ये स्टेडियम है इसमें नीदरलैंड का जो घास है उसका रोल है। यह नव परिवर्तन 5% पॉलीमर फाइबर के साथ प्राकृतिक टर्फ को जोड़ता है, जिसे T20 और 50 ओवर के मैचों के लिए ICC द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। पिच जो है लचीलापन, स्थायित्व और लगातार बॉल में उछाल का एक समर्थन देता है, जिससे रख रखाव का बोझ भी कम हो जाता है। धर्मशाला में कार्यरत यूनिवर्सल मशीन, लॉर्ड्स और द ओवल जैसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी मैदानों में सफल स्थापना के बाद अहमदाबाद और मुंबई में इस तकनीक को भी अपनाया जाएगा। अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम भी। अभी इसको फिलहाल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जो है लागू किया गया है, और ये भारत का पहला हाइब्रिड पिच वाला जो है स्टेडियम बन गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।